लेकिन उस खून का कोई क्या करे जो भारत माँ के सीने पर गड़े हुए दुश्मनों के खेमे देखकर बारूद में बदल जाता है। उन नसों को फटने से कोई कैसे रोके जो परचम ए सितारा और हिलाल की एक झलक से तन जाती हैं। धमनियों में दौड़ते माँ के दूध का उबाल कोई कैसे संभाले और एक फौजी वो उस सौगंध को कैसे भूल जाए जो उसने वर्दी पहनते हुए ली थी, सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा गौरव और हित। और एक भारतवासी भगवत गीता को कैसे भुला दे जिसमें भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म के लिए राष्ट्र धर्म के लिए मर मिटने से बड़ा श्रेय कोई और नहीं। शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। हम स्वाधीन हैं क्योंकि 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक कारगिल की बर्फीली चोटियों पर हमने इतना खून बहाया कि भारत माँ का आंचल आज तक लाल है। जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन्य से भरी हुई रग रग है, जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, शूली किरीच शोलों से खेल चुके हैं, उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन धरेगा, अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है। जिसके मस्तक पर रक्त का तिलक न लगा हो उस जवानी का हक अदा नहीं हुआ। बड़े बड़े सेमिनार्स में विश्व शांति पर व्याख्यान देने वाले बुद्धिजीवी शायद इन पंक्तियों का मर्म ना समझ पाए, शायद उन्हें जवानी के माथे पर रक्त का तिलक कवि की रूमानी कल्पना से ज्यादा और कुछ न लगे। लेकिन एक आम इंसान समझता है, मैं और आप समझते हैं कि आज सुबह खुश रंग थी क्योंकि कल रात सरहद पे किसी जवान ने अपने खून का रंग सूरज के माथे पर मल दिया था। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर एक एक मिलीग्राम ऑक्सीजन के लिए तरसते हुए भी कुछ जांबाजों ने अपने हाथों से बंदूकें नहीं गिरने दी, तभी मैं और आप आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाहुबल की ज्वाला पर झूठी शांति प्रियता का पानी नहीं फिरने दिया। जब दुश्मन का टैंक सरहद लांग के अंदर आ गया तो गाड़ दी संगी ने छातियों में, उतार दिया हिंदुस्तानी गोलियों का लोहा दुश्मन के बदन में, न घबराए न डरे, बस मारे और मरे। वो अधी बाहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न ये अनल सगुण हंसते हैं, है जहां खड्ग सब पुण्य वहीं बसते हैं, तलवारें सोती जहां बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। हम स्वाधीन हैं क्योंकि 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक कारगिल की बर्फीली चोटियों पर हमने इतना खून बहाया कि भारत माँ का आंचल आज तक लाल है। कौन थे वो जियाले, वो मतवाले, वो सपूत जिन्होंने प्राण दे दिए पर ऑपरेशन विजय को पराजय में नहीं बदलने दिया। कहानियां तो अनगिनत हैं लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 4 कहानियां सुनाऊंगा, सिर्फ 4 नाम गिनवाऊंगा जो लौट के घर ना आए। माँ, फौज से मेरी पहली सैलरी आने वाली है। ये कुछ ब्लैंक चेक्स हैं, मैं साइन करके पोस्टिंग पे जा रहा हूँ, जितने पैसों की ज़रूरत हो निकाल लेना। पहली सैलरी अकाउंट में आई लेकिन तब तक कैप्टन सौरभ कालिया अंतिम सांस ले चुके थे। कैप्टन कालिया कारगिल युद्ध के पहले शहीद थे, पहले हीरो। कारगिल में दुश्मन के घुसपैठ की पहली सूचना एक सिविलियन ने दी थी। ताशी नामग्याल नाम के एक चरवाहे ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कुछ हथियारबंद पाकिस्तानियों को देखा और इसकी जानकारी इंडियन आर्मी को आकर दी। 14 मई को कैप्टन कालिया 5 जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर निकल गई। वो बजरंग चोटी पर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि सचमुच पाकिस्तान की बदजात हुकूमत ने हथियारों से लैस सैनिक वहां तैनात कर रखे हैं। कैप्टन कालिया की टीम के पास ना तो बहुत हथियार थे ना अधिक गोला बारूद, और साथ सिर्फ 5 जवान। ये तो पेट्रोलिंग के लिए निकले थे, युद्ध के लिए थोड़ी। होना तो ये चाहिए था
कि कैप्टन कालिया चुपचाप बजरंग चोटी से वापस लौट आते और पाकिस्तानियों को भनक तक न लगती। लेकिन उस खून का कोई क्या करे जो भारत माँ के सीने पर गड़े हुए दुश्मनों के खेमे देखकर बारूद में बदल जाता है। उन नसों को फटने से कोई कैसे रोके जो परचम सितारा और हिलाल की एक झलक से तन जाती हैं। धमनियों में दौड़ते माँ के दूध का उबाल कोई कैसे संभाले और एक फौजी वो उस सौगंध को कैसे भूल जाए जो उसने वर्दी पहनते हुए ली थी, सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा, गौरव और हित। और एक भारतवासी भगवत गीता को कैसे भुला दे जिसमें भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए मर मिटने से बड़ा श्रेय कोई और नहीं। कैप्टन कालिया ने पाकिस्तानी वर्दियों को ललकार दिया और फिर जो हुआ वो दुनिया की तमाम युद्ध नीतियों को, वॉर कोड्स को, ह्यूमन राइट्स को शर्मिंदा करने के लिए काफी है। एक तरफ इतने सारे पाकिस्तानी, दूसरी ओर सिर्फ 5 भारतीय सैनिक, वो भी लगभग निहत थे। पाकिस्तानी दानवों ने 22 बरस के कैप्टन कालिया को बंदी बना लिया और 22 दिन तक बेहिसाब टॉर्चर देके उन्हें मार दिया। जब उनका शव घर पहुंचा तो देखने वाले पहचान तक नहीं पाए। दूसरों को छोड़िए, वो माँ जिसने 9 महीने इस बेटे को कोख में सहेजा, करोड़ों बार उसका माथा चूमा, बलाई नहीं, वो तक नहीं पहचान पाई कि ये शव उसके अपने ही बेटे का है। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। लेकिन याददाश्त के कौन से कोने में जाकर कैप्टन कालिया की माँ अपने मुस्कुराते हुए बेटे की तस्वीर से ये कटी फटी हुई लाश मैच करती जिसके चेहरे पर कुछ बचा ही नहीं था, न आंखें न कान, पाकिस्तानी गिद्धों ने सब नोच के खा लिया था। ये सोच कर दिल को बड़ा आराम मिलता है कि एक बलिदानी से मेरा नाम मिलता है, कैप्टन मनोज कुमार पांडे। सिर्फ नाम ही नहीं, हमारा प्रदेश भी मिलता है, उत्तर प्रदेश। एक दृश्य देखिए, 60-70 मशीन गन से एक साथ पाकिस्तानी सैनिक गोलियां बरसा रहे हैं, तोपों से भी गोले दागे जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड लॉन्चर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मशीन गन की गोलियों की रफ्तार 2900 फीट प्रति सेकंड होती है। अगर वो आपके बाजू से चली जाए तो आपको लगता है किसी ने आपको जोर का धक्का मारा है, क्योंकि उन गोलियों के साथ एक एयर पॉकेट भी ट्रेवल करता है। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राय कैप्टन मनोज पांडे को ऑर्डर देते हैं, मुझे ऊपर 4 बंकर नजर आ रहे हैं, अपनी प्लाटून को ले जाओ, उन पर धावा बोलो और खत्म कर दो। कर्नल राय कहते हैं, कैप्टन पांडे ने एक सेकंड के लिए भी कोई झिझक नहीं दिखाई और रात के अंधेरे में कड़कती हुई ठंड और भयानक बम्बार्डमेंट के बीच ऊपर चढ़ गए। मनोज ने अपनी राइफल के ब्रीच ब्लॉक को अपने ऊनी मोजे से ढक रखा था ताकि वो गर्म रहे और बेनतहा ठंड में जाम ना हो जाए। उस समय तापमान 0 से नीचे जा रहा था, लेकिन तब भी सीधी चढ़ाई चढ़ने की वजह से भारतीय सैनिकों के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। हर सैनिक के पास 1 लीटर पानी की बोतल थी, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते उनका सारा पानी खत्म हो चुका था। वैसे तो चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी, लेकिन बारूद की वजह से वो बर्फ इतनी प्रदूषित हो चुकी थी कि उसे खाया नहीं जा सकता था। मनोज ने अपने सूखे हुए होठों पर जीभ फिराई, लेकिन उन्होंने अपनी पानी की बोतल को हाथ नहीं लगाया। उसमें सिर्फ 1 घूंट पानी बचा था और मनोज अच्छी तरह जानते थे कि मनोविज्ञान कैसे काम करता है। 1 बूंद ही सही, अगर बोतल में पानी बाकी है तो जिंदगी बाकी है, उम्मीद बाकी है, हिम्मत बाकी है। वो उस 1 बूंद को मिशन के अंत तक बचा कर रखना चाहते थे। कर्नल राय को नीचे से सिर्फ 4 बंकर नजर आए थे, लेकिन मनोज ने ऊपर जाकर रिपोर्ट किया कि यहां तो 6 बंकर हैं। हर बंकर से 2-2 मशीन गन्स आग उगल रही थी। 2 बंकर जो थोड़ी दूर थे उनको उड़ाने के लिए मनोज ने हवलदार दीवान को भेजा। दीवान ने भी फ्रंटल चार्ज कर उन बंकरों को बर्बाद किया, लेकिन उन्हें गोली लगी और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। बाकी बंकरों को ठिकाने लगाने के लिए मनोज और उनके साथी जमीन पर रेंगते हुए बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए।
बंकर को उड़ाने का एक ही तरीका होता है कि उसके लूप होल में ग्रेनेड डालकर उसमें बैठे दुश्मन को खत्म कर दिया जाए। मनोज ने एक एक करके 3 बंकर ध्वस्त कर दिए, लेकिन जब वो चौथे बंकर में ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे थे तो उनके बाएं हिस्से में कुछ गोलियां लगी और वो लहूलुहान हो गए। लड़कों ने कैप्टन पांडे से कहा कि सर, अब एक ही बंकर बाकी रह गया है, आप यहां बैठकर देखिए, हम उसे खत्म करके आते हैं। लेकिन बैठकर देखने वाला पाठ तो कैप्टन पांडे ने पढ़ा ही नहीं था। बोले, देखो कमांडिंग ऑफिसर ने यह काम मुझे सौंपा है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अटैक को लीड करूं और कमांडिंग अफसर को अपना विक्ट्री साइन भेजूं। बदन से बेतहाशा बहते हुए खून को अनदेखा करके वो रेंगते रेंगते चौथे बंकर के बिल्कुल पास पहुंच गए। तब तक उनका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। उन्होंने खड़े होकर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, तभी पाकिस्तानियों ने उन्हें देख लिया और मशीन गन स्विंग करके 4 गोलियां उन पर फायर कर दी। ये गोलियां उनके हेलमेट को पार करती हुई उनके माथे को चीरती चली गई। पाकिस्तानी 14.7 mm की एडी मशीन गन इस्तेमाल कर रहे थे, उससे छूटी हुई गोलियों ने कैप्टन मनोज का पूरा सिर उड़ा दिया और वो जमीन पर गिर गए। भारत का सिपाही जमीन पर गिर सकता है, उसकी हिम्मत कभी नहीं गिरती, उसके देशप्रेम का पारा कभी नहीं गिरता। मरते मरते पूरी जान लगा के कैप्टन पांडे ने अपने साथियों को ललकारा, ना छोड़नू, यानी इन घुसपैठियों को छोड़ना मत। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों। सिर्फ 24 साल और 7 दिन की उम्र में कैप्टन मनोज पांडे ने वो कर दिखाया जिसके किस्से हजारों हजार बरस दोहराए जाएंगे। पच्चीस बरस का एक नौजवान, उसे प्यार हो गया था अपने बचपन के दोस्त सिमरन से, और सिमरन भी उसे जान से ज्यादा चाहती थी। सगाई तय हो गई, शादी की तैयारियां भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी, दोनों के घर वाले खुश, दोस्त खुश। लेकिन तभी सरहदों से बुलावा आ गया और वो लड़का कैप्टन अनुज नायर, जो सिमरन से बे इंतहा इश्क करता था लेकिन भारत की माटी से थोड़ा सा और ज्यादा इश्क था उसे, वो चल पड़ा अपनी मातृभूमि को रौनते विदेशी पैरों को काट फेंकने। अनुज ने सिमरन के लिए एक अंगूठी ली थी, उसे अपने एक सीनियर को देके कहा, ये सिमरन को दे दीजिएगा। सीनियर ने कहा, मैं क्यों दूं, तुम ही वापस आकर दे देना। अनुज मुस्कुराए और बोले, मैं जंग पर जा रहा हूं, वापस आने का वादा नहीं कर सकता। मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं, मगर सफर सफर है, मेरा इंतजार मत करना। अनुज कारगिल आ गए और जब टाइगर हिल पे दुश्मन का कब्जा देखा तो उनका खून खौल उठा। 6000 फीट की ऊंचाई पर टाइगर हिल के 0.4875 को शत्रु मुक्त करवाने की प्रतिज्ञा ली और 6 जुलाई की रात शुरू कर दी उन दुर्गम पहाड़ों की चढ़ाई जहां एक एक कदम पर मौत अपने बाल खोले नाच रही थी। अनुज जानते थे कि 0.4875 को दुश्मन से खाली करवाए बिना भारतीय फौजों का आगे बढ़ना मुश्किल है। वो अपने साथियों के साथ दबे पांव आगे बढ़ रहे थे, तभी दुश्मन को उनकी आहट मिल गई और उसने अनुज की टीम पर फायर शुरू कर दिया। अनुज गोलियों से कहां रुकने वाले थे, उन्होंने अकेले ही पाकिस्तान के 9 घुसपैठियों को जन्नत में हूरों के पास भेज दिया और जो बच गए वो जान बचाकर भाग खड़े हुए। अनुज बुरी तरह घायल हो चुके थे लेकिन हाथों में मशीन गन लेकर आगे बढ़े और दुश्मन का जो बंकर सामने नजर आया उसे तबाह कर डाला। अनुज 0.4875 पर विजय का तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि दुश्मन का एक ग्रेनेड सीधा उनके ऊपर गिरा और वो शहीद हो गए। अनुज ने सिमरन के साथ जीने मरने का वादा किया था लेकिन भारत माँ का साथ निभाने में सिमरन का साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। चोटी नंबर 5140, लेह मार्ग से ठीक ऊपर की चोटी जहां से बैठ के दुश्मन हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था।
5140 को आजाद करवाने की जिम्मेदारी मिली विक्रम बत्रा को। जानलेवा पहाड़ियों में घिसटते बढ़ते विक्रम और उनके जाबाज साथी दुश्मन के करीब पहुंच गए और जय घोष करते हुए सामने से दुश्मन पर हमला बोल दिया। दुश्मन का खेमा तहस नहस हो गया और सारे के सारे पाकिस्तानियों को मार डालने के बाद रात के 3:30 बजे कंट्रोल रूम के रेडियो पर 4 शब्द गूंजे, ये तिल मांगे मोर। अखबारों में विक्रम की बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी, उनकी बहादुरी के किस्से घर घर पहुंच गए, लेकिन विक्रम को इतने से आराम कहां। अभी कितनी चोटियां दुश्मन के कब्जे में थीं, विक्रम जानते थे ये चैन से सोने का वक्त नहीं है। वो निकल पड़े एक और जंग फतह करने, चोटी नंबर 4875, बेहद संकरी और मुश्किल चोटी जहां दुश्मन बड़े आराम से घात लगाकर हम पे हमला कर रहा था। विक्रम ने खुद आगे बढ़कर वहां की कमांड मांग ली। उन्होंने एक सेक्टर जीता था, चाहते तो रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरी जंग के लिए भी बिस्तर बांध लिया और कमर कस के चढ़ गए 4875 पे। दुश्मन की टुकड़ी से आमने सामने लड़ाई शुरू हो गई। दुश्मन का लोहा विक्रम के बदन में धंसता रहा, वो गोलियों से छलनी होते रहे लेकिन रुके नहीं। विक्रम रेंग कर दुश्मन के बंकर तक पहुंच गए और भारत माता की जय बोलकर ग्रेनेड फोड़ दिया। सारे दुश्मन मारे गए। तिरंगा 4875 पे भी लहराया, लेकिन इस बार ये दिल मांगे मोर कहने वाला भारत माँ की गोद में सो गया था। विक्रम की शहादत से हिंदुस्तान की आंखें भीग गईं। खेत में खड़े किसान से लेकर सीमा पर खड़े जवान तक हर किसी के बाजू फड़क उठे और बच्चा बच्चा उस शेर शाह की जबान बोलने लगा, ये दिल मांगे मोर। नमन भारत माँ के अमर सपूतों को शत शत बार नमन। तुम ही न होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीने खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्करा के मरता कौन।